Hello guys you're most welcome in my youtube channel today we will discuss a small topic that is condensation so what is condensation the change of water vapor the change of water vapor into water into water by cooling is called water vapor sorry condensation वाटर वेपर का वाटर में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है कंडेंसेशन इसका हम अपने डेली लाइफ में उपयोग देख सकते हैं कहाँ पे जब रोटी बना करके पॉड में रखी जाती है तो जब हम बाद में देखते हैं और पॉड को ढक दिया जाए तो हम देखते हैं कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उस पॉड में रहते हैं वह किसके एग्जाम्पल हैं कंडेंसेशन के क्योंकि जब रोटी गर्म होती है तो उसमें से क्या और क्या रहते हैं उसमें वाटर वेपर और वो वाटर वेपर जब कूल होते हैं तो किस में कनेक्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में या वाटर में यही प्रोसेस क्या कहलाता है कंडेंसेशन नेक्स्ट टॉपिक रेन रेन क्यों होता है कैसे होता है हम सब जानते हैं कि सन की वजह से अर्थ क्या होता है हीट होता है तो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है सपोज करो आपका अर्थ सरफेस है तो ये वाटर है ये भी क्या होगा हीट होगा हीट होकर ये किस में कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो यह क्या होगा इवेपोरेट होगा ऊपर की तरफ जाएगा और जब ऊपर एटमोसफियर में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कूल्ड cool एयर की वजह से यह किस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में या वाटर में किस प्रोसेस के थ्रू कंडेंसेशन के थ्रू देन अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या करेंगे एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे सपोज करो कि यहाँ से ये यह वाटर सरफेस है आपका ये मूव करेंगे जब गर्म होंगे तो ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और एक साथ फिर ज्वाइंट होकर ये क्या बना लेते हैं क्लाउड बना लेंगे ये क्या बना लेंगे क्लाउड बना लेंगे एंड जब ये क्लाउड क्या हो जाएगा हैवी हो जाएगा ये क्या करेगा ब्रश कर जाएगा और नीचे क्या मिलेगा आपको रेन के फॉर्म में आ जाता है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट जहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फॉग वॉट इज फॉग वेन वाटर वेपर मिक्स विथ वेरी कोल्ड एयर जब वाटर वेपर किसी के साथ मिक्स हो बहुत ही ठंडे हवा के साथ कोल्ड एयर के साथ तो क्या बनाता है ड्रॉप्स ऑफ वाटर और इसका एग्जाम्पल ए ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड जस्ट एब दाटर और लैंड इसको हम हिंदी में कोहरा भी कहते हैं ये हमें ठंडियों के विंटर सीजन में देखने को मिलता है लैंड के ऊपर वाटर के ऊपर क्या दिखाई देगा एक क्लाउड का ब्लैंकेट दिखाई देगा अंधेरा अंधेरा सब कुछ दुधला सुधला सा होता है कुछ भी हमको क्लियर दिखाई नहीं देता है तो क्या है फॉग फॉग कब बनता है वाटर वेपर प्लस वेरी कोल्ड एयर यहाँ तरह यह है यहाँ पे कोल्ड एयर हो, होगा नेक्स्ट इज ड्यू ड्यू जिसको कि हम हिंदी में ओस भी कहते हैं ये कैसे बनता है वाटर वेपर प्लस कोल्ड सरफेस यहाँ पे याद रखिएगा फॉग के लिए एयर है ड्यू के लिए सरफेस है एंड जब वाटर वेपर कोल्ड सरफेस के अटैच में आता है तो किस में कन्वर्ट है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में और ये भी हमें विंटर में ही देखने को मिलता है मॉर्निंग में लिप्स पे फ्लावर्स पे आपको क्या दिखेंगे छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वाटर ड्रॉप्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं ड्यूज होते हैं जिसको हम लोग ओन्स कहते हैं नेक्स्ट इज द फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट क्या है जब ये ड्यू या फिर सरफेस वाटर क्या हो जाए फ्रीजेज इंटू टिनी वाइट क्रिस्टल्स छोटे छोटे क्रिस्टल्स में क्या हो जाए फ्रीज हो जाए वाइट क्रिस्टल्स में फ्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं फ्रॉस्ट नेक्स्ट इज द हेल हेल कब होगा रेन ड्रॉप्स जब बारिश हो रही होती है तो बीच में अगर सपोज करो कि ये क्लाउड है ऊपर से और ये हमारा अर्थ सरफेस है तो ये आ रहा है यहाँ पे अगर उसको बहुत क्या हुआ ठंडा रीज़न मिल गया वेरी कोल्ड रीज़न यहाँ पे अगर ठंडा रीज़न मिल गया तो क्या करेगा हेल हेल मीन्स बर्फ पड़ना जिसको हम लोग कहते हैं बर्फबारी हो रही है एंड नेक्स्ट इज द स्नो सॉरी हेल मीन्स पत्थर जिसको जो पत्थर पड़ते हैं बड़े बड़े पत्थर जिसको हम लोग देखते हैं कि पत्थर पड़ा है वो है हेल एंड स्नो स्नो मीन्स होता है बर्फबारी तो जब वाटर वेपर सडनली कूल्ड हो जाए एटमोसफियर में क्या बना लेते हैं स्नो फ्लेक्स बना लेते हैं छोटे छोटे स्नो के टुकड़े बना लेते हैं इसी को क्या बोलते हैं बर्फ तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है फॉग ड्यू फ्रॉस्ट हेल एंड स्नो ये सब कंडेंसेशन की वजह से है और कैसे होता है ये क्लियर हो गया होगा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉग के लिए कैसे होगा फॉग वाटर वेपर्स प्लस वेरी कोल्ड एयर ड्यू वाटर वेपर्स प्लस कोल्ड सरफेस अब इसको याद करने का तरीका कि ड्यू कहाँ लगाते हैं अपने बॉडी पे मीन्स हमारे बॉडी के सरफेस पे तो क्या हुआ कोल्ड सरफेस नेक्स्ट इज द फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट में क्या होगा फ्रॉस्ट जैसा कि नाम से लग रहा है कुछ क्रिस्टल टाइप्स में बन जाए फ्रीज हो जाए एंड नेक्स्ट इज द हेल मीन्स अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमोस्फियर रेन ड्रॉप जब किसी कोल्ड रीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा हेल बनाएगा एंड नेक्स्ट इज स्नो वाटर वेपर सडनली कूल्ड इंटू स्नोफ्लैक्स वाटर वेपर सडनली स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं या कंडेंसेस कंडेंस्ड हो जाते हैं तो ये रहा हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग